वेलकम टू ऑल इन आरके इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो टेंस का दूसरा पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का चारों पार्ट आपको पिछले वीडियो हमने पढ़ाया, और आज के वीडियो में बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम इस टेंस के पहचान को समझें। सबसे पहले बच्चों जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में आया गया देखा सुना पढ़ा आज सब रहते हैं, अथवा बच्चों ताथा ती थी या ते थे आज सब आते हैं। इसका मतलब बच्चों वह जाता था, वह जाती थी, वह जाते थे, ऐसा होता है तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अथवा आया गया देखा सुना पढ़ा आज शब्द हैं लास्ट में वाक्य अंत में, तो भी ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। आइए बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव रूप को समझें। अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात बच्चों साधारण वाक होने पर, साधारण वाक में बच्चों रोल लिखेंगे। रोल किसके लिए? ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये बच्चों हमारा वाक साधारण है, सिंपल है, तो उसके लिए हम क्या रूल लगाते हैं? ऑल सब्जेक्ट मतलब बच्चों सभी कर्ता का मतलब बच्चों चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो हम क्या करते हैं? ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हमारा कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए वह आज अपने गांव गई, वाक है बच्चों वह आज अपने गांव गई आया गया खाया देखा सुना पढ़ा, ऐसे वाक बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको सब्जेक्ट लिखना है, अर्थात वह की इंग्लिश, वह हमारा स्त्रीलिंग वाला शब्द है जिसके लिए हम से का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों से माने वह। अब बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म गई का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन, अर्थात हमको वेंट लगाना है। सी वेंट टू कहां गई? अपने गांव, अर्थात टू हर विलेज। सी वेंट टू हर विलेज कब गई? आज, अर्थात टुडे। तो बच्चों जो वाक बन गया वह आज अपने गांव गई को इंग्लिश में कहेंगे सी वेंट टू हर विलेज टुडे।
एक बार बच्चों और समझते हैं। उन्होंने उन्होंने अपना काम कर लिया। उन्होंने अपना काम कर लिया अर्थात बच्चों कर्ता आपका बहुवचन है, फिर भी आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना है यदि वाक आपका अपर नेटिव है तो बन जाएगा बच्चों दे इंग्लिश हुए अथवा उन्होंने इंग्लिश दे कर लिया। करना का अंग्रेजी बच्चों डू और सेकंड फॉर्म में डिड, तो वाक बन गया दे डिड और अपना काम अर्थात दियर वर्क दे डिड दियर वर्क। इस प्रकार से बच्चों बन गया दे डिड दियर वर्क। और अब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम नेगेटिव वाक्यों को समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात बच्चों नकारात्मक जब हमारा वाक्य नकारात्मक हो नेगेटिव हो तो बच्चों जो इसका रूल बनेगा सबसे पहले यहां भी ऑल सब्जेक्ट अर्थात चाहे एक वचन करता हो चाहे दो वचन करता हो आगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड प्लस नॉट सभी कर्ता के साथ डिड का प्रयोग करेंगे चाहे कर्ता आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हुआ डिड हुआ प्लस नॉट हुआ। इसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। केवल बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अपर नेटिव वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल समझेंगे तुम एक पत्र नहीं लिखे तुम एक पत्र नहीं लिखे अर्थात तुमने एक पत्र नहीं लिखा। और बच्चों इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो यू तुम की अंग्रेजी यू ऊपर नियम देखेंगे डिड नॉट You did not लिखना का बच्चों राइट यू डिड नॉट राइट ए लेटर वाक बन गया बच्चों यू डिड नॉट राइट ए लेटर। और इसी प्रकार से एक वाक और समझते हैं वह वहां कल नहीं गई वह वहां कल नहीं गई अर्थात बच्चों सी एस एच ई डिड नॉट और जाना का बच्चों गो फर्स्ट फॉर्म में क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने से डिड नॉट गो वहां की बच्चों अंग्रेजी दियर से डिड नॉट गो दियर कब कल कल की अंग्रेजी बच्चों यस्टरडे। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की अंग्रेजी हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से बच्चों रहा ये नेगेटिव वाक। तो बच्चों इस प्रकार से हमने नेगेटिव वाक्यों को समझा और अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात बच्चों इंट्रोगेटिव का ए पार्ट, और बच्चों हिंट के लिए क्या शब्द वाक में पहले आने पर, यदि बच्चों वाक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और वो वाक हमारा क्या शब्द से शुरू है, तो ज्यादातर बच्चों यहाँ गलतियां हो जाती हैं कि लोग क्या शब्द का अंग्रेजी लिख देते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, उस टेंस की सहायक क्रिया ढूंढना है और उसी से वाक का शुरुआत करना है। तो इसका जो बच्चों रूल बनेगा, सबसे पहले डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो प्लुरल हो सबके साथ हम मिल रहे हैं, प्लस बच्चों अगर वाक निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों इसका उदाहरण देखेंगे, क्या तुमने एक किताब खरीदा, क्या तुमने एक किताब खरीदा, इसको बच्चों अंग्रेजी में लिखेंगे Did you buy a book? Did you buy a book? उत्तर बन गया बच्चों Did you buy a book? Buy means बच्चों खरीदना का फर्स्ट फॉर्म, a book means एक किताब। और इस बच्चों इसके हम एक इंट्रोगेटिव निगेटिव को समझेंगे, क्या राम कल स्कूल नहीं गया, क्या राम कल स्कूल नहीं गया। बच्चों ये वाक इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो हमको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी आपको इसी तरीके से वाक बना देना है। डिड राम नॉट गो टू स्कूल, और बच्चों कल की अंग्रेजी यस्टरडे, डिड राम नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। और इस प्रकार से बच्चों अब हम इसके बी पार्ट को पढ़ेंगे अर्थात फुल इंट्रोगेटिव। फुल इंट्रोगेटिव मीन्स बच्चों प्रश्नवाचक शब्द माने क्या, कहां, क्यों आदि वाक्य के बीच में आने पर। यदि बच्चों हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि क्या कहां कब कैसे आज वाक्यों के बीच में आ जा रहे हैं तो उसी शब्द से बच्चों वाक्य का प्रारंभ करते हैं। तो इसका जो रूल बन जाएगा, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मीन्स बच्चों क्वेश्चन वर्ड, अगर बीच में कहां है तो कहां की अंग्रेजी वर्ड पहले, कब है तो कब की अंग्रेजी वर्ड पहले, क्यों है तो वाई सबसे पहले। इसके बाद बच्चों डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्यू डब्ल्यू माने क्वेश्चन वर्ड, डिड और सब्जेक्ट में बच्चों चाहे सिंगल नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे कि बच्चों इसका उदाहरण है वह कल कहां गई, वह कल कहां गई। तो बच्चों सबसे पहले हमको कहां की अंग्रेजी लिखना है अर्थात वेयर, हमको पहले क्यू डब्ल्यू अर्थात वेयर, वेयर के बाद बच्चों डिड, इसके बाद सब्जेक्ट मतलब बच्चों वह अर्थात सी, तो वेयर डिड सी और जाना का अंग्रेजी बच्चों को कल के रजिस्टर। तो वाक बन गया बच्चों वेयर डिड सी गो यस्टरडे। और बच्चों पास्ट इंडिफिनिट का एक एग्जांपल और समझते हैं, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। बच्चों यदि हम इसको अंग्रेजी में बदलेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है अर्थात वाई, हमको क्वेश्चन वर्ड मिल गया, अब हमको डेट लगाना है वाई डिड यू नॉट। अब बच्चों करना की इंग्लिश अर्थात डू, वाई डिड यू नॉट डू और अपना काम का बच्चों योर वर्क, तो वाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। इस प्रकार से बच्चों जो वाक बन गया तुमने अपना काम क्यों नहीं किया वाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। और इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान को, अफर्मेटिव वाक्यों को, निगेटिव वाक्यों को, इंट्रोगेटिव वाक्यों को, फुल इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझा और आशा करता हूं कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। सो प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरके इंग्लिश क्लासेज टू गेट मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।